ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ रश्मि शर्मा। आज कहानी एक गैंगस्टर की, एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में बैठ कर खेल कर रहा है। वो जेल में रहते हुए जिसे मारना चाहता है उसे मरवा देता है। जेल के भीतर से वो धमकी देता है, जेल से उसकी पूरी गैंग ऑपरेट होती है। इंडिया से लेकर कनाडा तक उसका खौफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि एक बार फिर सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के कुछ घंटों के बाद ही लॉरेंस ग्रुप ने कथित तौर पर जिस तरह इस कत्ल की जिम्मेदारी ली, उससे साफ हो गया कि इस कत्ल का सुपरस्टार सलमान खान से कनेक्शन है। गुजरात के जेल में रहते हुए एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते लॉरेंस पर और शिकंजा कसने की कवायद शुरू हो गई है। जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है, और निशाने पर है बीजेपी, क्योंकि जिस साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है वो जेल गुजरात में है और गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए लिखा है, कितना खतरनाक है कि एक आदमी गुजरात की साबरमती जेल में कैद है पर उसका गैंग पूरे देश में एक्टिव है। वो खुलेआम धमकी दे रहा है, मुंबई जैसे शहर में कॉन्ट्रैक्ट हत्या करवा रहा है। यह क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, असल में इस देश में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले पर घमासान तेज होता जा रहा है। उधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। नहीं नहीं, ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। सलमान से लॉरेंस गैंग की अदावत काफी पुरानी है और बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त थे। साफ है कि सलमान खान पर सीधा हमला नहीं किया जा सका, तो उनके दोस्त के नाते बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। लॉरेंस गैंग इससे पहले सलमान खान के घर पर भी फायरिंग करवा चुका है। लॉरेंस गैंग सलमान को निशाना बनाने की कई बार तैयारी कर चुका है, रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, और एक बार सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। लॉरेंस हाई सिक्योरिटी में बंद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले सवा साल से लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से निकालने पर रोक है, मतलब वो कोई भी जुर्म करे उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हो सकती है। साबरमती जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। वो आइसोलेशन बैरक में रहता है। इस हाई सिक्योरिटी बैरक में दिन में चार बार जेल प्रशासन और एटीएस चेकिंग करती है। पिछले दिनों सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिए जाने की कोशिशें भी की थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड की चेकिंग मुंबई पुलिस को नहीं मिली थी। गुजरात की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल साबरमती में लॉरेंस बिश्नोई से किसी को मिलने की इजाजत तक नहीं है। जानकारों का कहना है कि 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268(1) के तहत लॉरेंस को एक साल तक साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया था। इस एक साल की कैद के दौरान किसी को भी लॉरेंस से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। गुजरात पुलिस ने सीमा पार से 195 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी केस में 23 अगस्त 2023 को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया था। तब से लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस और कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेना चाहती है, लेकिन अभी तक किसी को उसकी रिमांड नहीं मिली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए 700 शूटरों की फौज खड़ी कर ली। कैसे लॉरेंस जेल में रहते हुए कर रहा है खेल, चलिए समझते हैं।
पंजाब के फिरोजपुर जिले में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर जिले से की। इसके बाद वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करने चले गए। यहीं से लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हो गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों में उसका टकराव गोल्डी बराड़ गैंग से हुआ और फिर धीरे धीरे लॉरेंस अपराध की दुनिया में आ गया। शुरू में लॉरेंस लूट डकैती जैसे मामलों में जेल भी गया और जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदे का सौदा साबित हुआ। जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया। जेल में रहते हुए उसका हथियार डीलरों से भी संपर्क हुआ। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। साल 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत एक केस की सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक अपराध की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत दर्ज एक केस की सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक अपराध की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। लेकिन लॉरेंस को सबसे ज्यादा शोहरत मिली मई 2022 में, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे एक बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ ने ले ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है और इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बढ़ गए कि नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिपी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग कराई। इन घटनाओं के बाद तो लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का किंग जैसा बन गया। इन घटनाओं के बाद उसने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करवाई और अब सलमान खान की करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या करवा दी। साफ है लॉरेंस एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन क्या उसकी हरकतों पर अभी भी लगाम लग पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।